हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज जो है हम क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट लेटर टू गॉड पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो बाकी देखिए दोस्तों, जो भी फर्स्ट फ्लाइट की जितने भी पोएम्स हैं मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाना, जो कि आज से स्टार्ट करूँगी मैं फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, और लेटर टू गॉड। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी है, मेन कैरेक्टर इसमें जो है लेंचो गॉड और पोस्टमास्टर, बस ये तीन मेन कैरेक्टर है। कहानी स्टार्ट होती है लेंचो से। पूरे वैली में जो है एक इकलौता घर होता है और वो घर होता है लेंचो का। एक छोटी सी रिवर जो है वो बह रही होती है वहाँ से। लेंचो जो है, अब क्या होता है, लेंचो का मेन ऑक्यूपेशन, लेंचो एक फार्मर होता है, तो लेंचो का मेन ऑक्यूपेशन जो है वही एग्रीकल्चर होता है, और उसका जितना भी घर बार है सब वही एग्रीकल्चर से ही चलता है। अब इस साल भी उसने खेती कर रखी होती है और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि बारिश आ जाए ताकि उसकी जो फसल है वो ज़्यादा बेटर हो जाए और इसका उसका जो है ये ईयर भी अच्छे से गुजर जाए। बहुत दिनों से वो बारिश का वेट कर रहा होता है, तो ऐसे ही वेट करते करते बस हमेशा वो आसमान में देखता रहता है कि कब जो है मुझे बादल दिख जाए, कब मुझे बारिश की एक आशा जो है एक उम्मीद मिल जाए, ऐसे ही वेट करता रहता है वो। फिर क्या होता है, जो उसकी वाइफ होती है वो खाना बनाती है उस वक्त, और खाना बनाने के बाद सबको बुलाती है, अपने चाइल्ड को भी बुलाती है और लंचों को भी बुलाती है खाना खाने के लिए। जब वो खाना खा रहे होते हैं तभी जो है लंचों को नॉर्थ वेस्ट से दिखता है, आई थिंक नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट है, बुक में आप चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ से दिखता है बादल आते हुए दिखता है वो। अब वो देख के बादल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको अब उम्मीद आ गई रहती है कि हाँ बारिश आने वाला है। जल्दी से वो दौड़ के जाता है और उस बादल पर नज़र रखता है, और देखते ही देखते बारिश स्टार्ट भी हो जाती है। जो उसके चाइल्ड रहते हैं वो जाके खेल रहे होते हैं बारिश में, और जो बारिश है, बारिश को लेंचो जो है क्वाइन से कंपेयर करता है। जो बड़े बड़े रेनड्रॉप होते हैं उसको 10 सेंट से कंपेयर करता है, जो छोटे रेनड्रॉप होते हैं उसको 5 सेंट से। अब यहीं से पता चल रहा है कि ये स्टोरी जो है इंडियन नहीं है, क्योंकि 10 सेंट बोला गया है, ना कि 10 रुपीज़ बोला गया है। ओके, अब क्या होता है, धीरे धीरे वो बारिश जो है हेल स्टॉर्म में बदलना स्टार्ट हो जाता है, बट ज़्यादा बड़ा हेल स्टॉर्म नहीं होता, छोटा छोटा जो है पत्थर भी गिरने लगता है। बट लेकिन जो हेल स्टॉर्म है, मतलब जो पत्थर होता है उसको मोतियों से कंपेयर किया जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जो है वो सुंदर और सुहावना नज़ारा जो है भयानक दृश्य में बदल जाता है। बहुत तेज़ आंधी आने लगती है, हेल स्टॉर्म की साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पत्थर पड़ने लगता है, और अब लेंचो को एहसास होता है कि जल्द ही ये हेल स्टॉर्म नहीं रुका तो उसका जो है पूरा खेत तबाह हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो अपना पूरा ईयर, पूरा जो साल गुजारा कैसे करेगा। बट बारिश रुकती नहीं है और घंटों तक ऐसा चलता है। जब कुछ घंटों बाद जब बारिश रुकती है, जब हेल स्टॉर्म रुकता है, स्टॉर्म रुकता है, तब देखता है लेंचो सबसे पहले दौड़ते हुए अपने खेत के पास जाता है और देखता है कि वो उसका पूरा जो है खेत बर्बाद हो चुका है। बहुत ज़्यादा वो टेंशन में आ जाता है और अब सोचता है अब मैं पूरे साल क्या करूँगा, कैसे मैं अपने फैमिली को खिलाऊँगा खाना। उसकी वाइफ जो है वो भी बोलती है कि अब तो हम पता नहीं इस साल जिंदा भी रह पाएंगे कि नहीं, कैसे गुजारा होगा हमारे, कैसे गुजरेगा हमारा ये साल। उसके बच्चे बोलते हैं पापा क्या हमें इस साल खाना नहीं मिलेगा। तो लेंचो, सिर्फ इकलौता उस घर में लेंचो रहता है जो कहता है नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, भगवान हमारी हेल्प जरूर करेंगे, मैं भगवान को पत्र लिखूंगा और अपनी कंडीशन के बारे में बताऊंगा। तो वो क्या करता है, तुरंत अपने अपना लेटर जो है निकालता है और पूरी अपनी स्टोरी जो है लिख डालता है उसमें कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया, भगवान मुझे 100 पैसे सेंड कर दीजिए ताकि मेरा जो ये ईयर है अच्छे से गुजर सके, अच्छे से कट सके। तो पूरा लेटर लिख के तुरंत जो है जाके पोस्ट ऑफिस में वो सेंड कर देता है, डिलीवर कर देता है, मतलब दे देता है। उसके बाद जब पोस्टमैन सबके घर लेटर पहुंचा रहा होता है एड्रेस पे, सबके एड्रेस पे, तो जब लेंचो का वो लेटर देखता है तो वो देखता है कि अरे गॉड, एड्रेस में लिखा रहता है गॉड। तो वो पोस्टमैन सोचता है गॉड को किसने देखा है, किस बेवकूफ़ ने एड्रेस गॉड डाल दिया, जब भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है तो उनके घर का रास्ता या उनका एड्रेस कोई कैसे जानेगा।
तो पहले बहुत ज़्यादा हंसता है। हंसते हंसते वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है और दिखाता है वो लेटर। पोस्ट मास्टर भी पढ़ के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या, ये तो सच बात है, गॉड को किसने लेटर लिख दिया। पहले वो भी बहुत हंसता है पोस्ट मास्टर, बट पोस्ट मास्टर जो है एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली पर्सन होता है, थोड़ा मोटा सा होता है बट बहुत फ्रेंडली होता है, वो काइंड हार्टेड होता है। कुछ समय बाद वो सीरियस हो जाता है पोस्ट लेटर को देख के, सोचता है कि नहीं इसका तो यही मतलब हुआ, जो बंदे ने इस लेटर को लिखा है उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हाँ भगवान उसकी हेल्प करेंगे, तभी ना वो लेटर लिखा है, लेटर तक बात पहुँच गई। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, अब वो सोचता है कि मैं जो है लेंचो की हेल्प करूँगा। तो पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी में से कुछ पैसे ले लेता है, और उतने पैसे उसके पास नहीं होते, 100 पैसे उसके पास नहीं होते ताकि वो लेंचो की इतनी सारे पैसे की मदद कर सके, तो अपने सैलरी में से कुछ कटौती करता है और बाकी जो भी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उससे भी वो रिक्वेस्ट करता है कि वो पैसा उसे दे सके, कुछ पैसा सबको अपने अपने सैलरी में से उसे दे सके ताकि लेंचो को हेल्प हो जाए। अब जो है सारा पैसा जब कलेक्ट करता है पोस्ट मास्टर, तो टोटल जो है 70 पैसों ही हो पाते हैं, 100 पैसों नहीं कम्प्लीट हो पाते हैं। तो पोस्ट मास्टर बहुत खुश हो जाता है कि चलो ठीक है 70 पैसों तो हो गए, लेंचो की हेल्प हो जाएगी। तो वो क्या करता है, पूरा जो है पैक करके लेटर में रख देता है कि लेंचो जब भी आएगा मैं उसको वो जो पोस्टमैन है उसको दे देगा। और बहुत ज़्यादा पोस्ट मास्टर एक्साइटेड रहता है उस बंदे को देखने के लिए, आखिर कौन ऐसा बंदा है जिसको भगवान पर इतना ज़्यादा बिलीव है। तो कुछ दिनों बाद जो है आई थिंक संडे या सैटरडे का दिन होता है, उसमें जब लेंचो अपना लेने आता है लेटर, तब मतलब जो पोस्ट मास्टर होता है वो शॉक्ड हो जाता है कि सच में मरना पड़ेगा इस बंदे को, काफ़ी बिलीव है इसे, मतलब इसे ये भी मालूम है कि भगवान जो है उसे रिप्लाई ज़रूर करेंगे, तभी नहीं ये अपना लेटर का रिप्लाई लेने आया है। तो भी तो वो पोस्ट मास्टर लेंचो का वो खुश वाला मतलब हैप्पीली वाला चेहरा फेस देखना चाहता है। बट क्या होता है, जब लेंचो पढ़ता है लेटर, मतलब लेटर जब देखता है तो उसमें 70 पैसे उसको मिलते हैं, तो वो खुश होने के बदले बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और सेकेंड लेटर भी लिखता है, दोबारा से लेटर लिखता है और उसमें ये लिखता है कि भगवान आपने तो पूरे पैसे भेजे थे मुझे, पूरे 100 पैसों आपने मुझे भेजे थे, बट जो जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, उसने जो है 30 पैसे चुरा लिए, ये सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं बंच ऑफ क्रूक हैं, यानी ठगों की टोली हैं। अब जो है अब क्योंकि उसे विश्वास रहता है, लेंचो को ये तो विश्वास रहता है कि भगवान थोड़ी मिस्टेक करेंगे, ये सब गड़बड़ जो है ये पोस्ट ऑफिस वाले किए हैं लो, और अपना सेकंड लेटर जो है ड्रॉप करके वो चला जाता है। तो जल्दी से पोस्ट मास्टर बाहर आता है और ये पढ़ने के लिए कि ज़रूर थैंक यू लिखा होगा। बट जब पोस्ट मास्टर पढ़ता है लेटर को तो उसको काफ़ी दुख होता है, क्योंकि उसने इतना मेहनत किया होता है अपनी सैलरी में से कटौती, बाकी अपने एम्प्लॉयज से भी अपना हेल्प मांगता है उसकी हेल्प करने के लिए, तो उसको काफ़ी दुख होता है कि ये क्या मैंने इसकी हेल्प की, और ये मतलब ये सब स्टोरी में दिया नहीं है, बस इतना दिया है कि बस पोस्ट जो मास्टर है वो पढ़ता है लेटर को, यहीं पर स्टोरी आपकी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।